नहीं है। मंत्री जी तो ये चाहते हैं कि किशोरबा के लोगों को पानी मिले जी। उस महानुभाव को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1300 करोड़ रुपए आप और गहलोत जी कितने दिन में गिन सकते हो, और ऐसा प्रदर्शन दिखाएंगे कि वहाँ अब की बात तो ये सब प्रशासन की भी ध्वजियाँ उड़ा देंगे। किशोरपुरा में पानी होता और ढाणियों के लोग हमारे से मांग करते तो हम लोग मना नहीं करते उनको। अभी भी नहीं करने देंगे, और वो पानी कर भी दिया तो उसको ले जाने भी नहीं देंगे। हमारा वर्षों से ढाणियों के लोगों से भाईचारा रहा है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत गुड्डा बावनी में हम पहुंचे हैं। कल का वाकया था, ग्राम पंचायत किशोरपुरा के लोग बांडा नाला में बोरिंग कर रहे थे और वहाँ से पानी लेकर अपने ग्राम पंचायत में लेके जा रहे थे, परंतु गुड्डा बावनी के लोगों ने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। पंचायत समिति सदस्य राकेश कसवा के नेतृत्व में वहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया। राकेश कसवा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कल जो घटना हुई थी उसके बारे में इनका क्या कहना है, क्यों ग्राम पंचायत किशोरपुरा को ये पानी नहीं लेने दिए जा रहे, यहाँ से पानी क्यों नहीं बोरिंग ट्यूबवेल करने दी जा रही, उनको पूरे मामले की बातचीत करते हैं। बने रही हमारे साथ। किशोरपुरा ग्राम पंचायत के लिए प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से सेंट्रल गवर्नमेंट का 3,80,00,000 रुपये, उसके लिए वो लोग ये चाह रहे थे और उसका फायदा वो लोग जो सत्ता पक्ष के हैं वर्तमान विधायक राजेंद्र गुड्डा वो उठाना चाहते हैं। उसमें आजकल की जनता पूरी समझदार है, और ये जो स्कीम यहाँ गुड्डा बावनी के लिए उन्होंने चलाई है, उस स्कीम में यह है कि उसके नज़दीक ग्राम पंचायत है पोंक में इतना बेथाक पानी है कि उसकी मतलब कि गुड्डा बावनी से काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे काफ़ी ट्यूबवेल इतनी है कि यहाँ तो 2 इंची के बोरिंग से पानी आता, वहाँ 4 इंची के बोरिंग से पानी बाहर आता डिलीवरी से, इतना बेथाक पानी है। और किशोरपुरा के नज़दीक है ग्राम पंचायत, और किशोरपुरा ग्राम पंचायत के तक वहाँ से लेकर के सीआई पाइप पहले से डाली हुई है और उनके खर्चा भी कम है। ये लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ बांडर नाला है, इसमें एक खोदा जाए तो लोगों का आपस में तो प्रेम और बिगड़े और राजनीतिक फायदा उठाएं, मेन बात तो ये है। दूसरी बात, वो लोग यहाँ इकट्ठा करके इसलिए ला के आ रहे हैं कि शेरी समाज के लोग बिलोंग करते हैं वहाँ से, ज़्यादा यहाँ जाट समाज के लोग बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने नारा भी दिया है कि ये जाट समाज के लोग आपको पानी नहीं पिलाने दे रहे। मैं ये मुख्यमंत्री जी से आपके लिए बजट लेके आया हूँ, तो आप उन लोगों को वोट मत दो, वो लोग तो आपको गुमराह करके वोट ले जाते हैं। जबकि मंत्री महोदय जी ने एक ये भी कहा था कि किशोरपुरा के अंदर एक भैरव जी का मंदिर है, उस मंदिर पे उन्होंने एक जनसभा की थी जी। उस जनसभा में उन्होंने ये कहा था कि गहलोत जी ने 1300 करोड़ रुपए मेरे हाथ में दिए। उस महानुभव को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1300 करोड़ रुपए आप और गहलोत जी कितने दिन में गिन सकते हो, और उसको रख कहाँ सकते हो, जनता को आप गुमराह कर रहे हो, क्यों हमारा आपसी जो प्रेम है उसको आप बिगाड़ रहे हो। ये आम जनता, आज की जनता है वो सोशल मीडिया पे चल रही है और सब पूरा जानती है जी। और उसके खिलाफ हम कल वहाँ विरोध प्रदर्शन इसलिए करने गए थे कि हमारी ग्राम पंचायत में जहाँ ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, वहाँ आम तौर पर किसानों की जो ट्यूबवेल है वो बंद हो रही है, पानी नहीं है, खेती के लिए कोई सोर्स नहीं बचा है। और बाकी जो नज़दीक में जो एक किसान था वहाँ खड़ा था, मैंने उसको बोला भी था, वो सामने भी आया था, उसने 1 महीने में 17.5 लाख रुपए खर्च किए बोरिंग करने के लिए जी। अपने खेत में उन्होंने 7 बोरिंग किए, 7 बोरिंग खाली जी। इतना पानी का लेवल नहीं है, 20 फुट पानी है, लोग यहाँ तराई तराई पीने के लिए मची हुई है, खेती करना तो दूर है, और वो ये समझ रहे हैं कि गुड्डा बावनी के लोग तो प्यासे रहें और किशोरपुरा के लोग पानी पिए। मकसद किशोरपुरा के लोगों को पानी पीने का नहीं है, मकसद वो अपना खुद पर्सनल फोरम हाउस बना रखे हैं, उन्होंने पहले भी वहाँ अनलीगल तरीके से अवैध बोरिंग करके, अवैध कनेक्शन करके उन्होंने वहाँ खेती की थी, और अभी भी उसी सोच में है कि मैं कैसे भी पानी लेकर के मेरे फार्म हाउस पे खेती करूँ, जनता जाए भाड़ में, चाहे कोई प्यासा रहे कोई कैसा भी रहे। इस तरीके से कुछ 5-10 नुमाइंदे ऐसे तैयार कर रखे हैं कि वो विरोध प्रदर्शन करें, उनके समझ में तो आ नहीं रही है कि ये बात किस लिए हो रही है। मेरे इस पर ऐसा लग रहा है सर पानी पर राजनीति हो रही है। हम तो राजनीति करना भी नहीं चाहते हैं, और हम तो भाई भाई हैं किशोरपुरा और गुड्डा बावनी के लोग, वो लोग इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं कि उसकी क्या तुलना करें। एक सेंट्रल कांग्रेस का जो मुखिया है राहुल गांधी, वो भी बोलने में इतनी अच्छी हरकत नहीं करता, उससे भी ज़्यादा अच्छी हरकत करता है। इन्होंने खुद ने मंत्री महोदय ने 2003 में पहला चुनाव जीता था, वो जहाँ कैंप है चौरा कैंप, उन्होंने पानी के लिए वहाँ धरना दिया था, ये कहा था कि
कि यहाँ का पानी कोपर प्रोजेक्ट के लिए जो जा रहा है वो नहीं जाने देंगे, यहाँ बंद करेंगे। खुद इन्होंने पहले धरना दिया था कि उद्योग वाटी का पानी खेतरी नहीं जाएगा, और हम भी वही कर रहे हैं। जबकि 2003 में गहलोत सरकार ने एक स्लोगन भी जारी किया था और दीवारों पर भी लिखाया था कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में, और उसी स्कीम पे उसके बनाए हुए अनुसरण पे चल रहे हैं। उसी अनुसरण से हम भी ये कह रहे हैं कि हमारे गांव का जो पानी है हमारे गांव में रहेगा, न कि दूसरे गांव में जाएगा। और हमारी कोशिश अगली बार तो कल पर क्या था कि उन्होंने प्रशासन का भी इतना दबाव डाल रखा था और पूरा प्रशासन भी ये चाह रहा था कि इनके यहाँ ज़बरदस्ती से किया जाए, हमें पता नहीं था। अब की बार जो भी कोई बोरिंग के लिए यहाँ कोशिश करेगा, हम गुड्ढा बावनी और गुड्ढा गौर जी के घर घर में जाकर के पीले चावल बांटेंगे, चिकटा करेंगे और अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए जान भी देनी पड़े तो वो जान भी देंगे। तो वहाँ कल बोरिंग लगी भी थी ऐसा बताया जा रहा है? हाँ, वहाँ कल जो बोरिंग लगी थी वो किशोरपुरा सरपंच की खुद की खातिरदारी है, उसमें पहले भी एक हो चुका है और अब भी एक बोरिंग और करने के लिए वो कर रहे हैं। जबकि उनके जो खातेदार संयुक्त खातेदार और हैं, उनके भाई हैं, वो भी इतना विरोध कर रहे हैं कि हाँ बोरिंग नहीं होनी चाहिए, हम पानी पीने के लिए है, परंतु दबाव में उसको दबाया जा रहा है, गरीब आदमी है और उनका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। अच्छा, तो सर आपका स्टेटमेंट यही है कि अभी आप पानी वहाँ नहीं देंगे, किशोरपुरा ग्राम पंचायत को यहाँ बोरिंग नहीं करने देंगे? नहीं, भी नहीं करने देंगे, और वो पानी कर भी दिया तो उसको ले जाने भी नहीं देंगे। हम पुरजोर ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक परिवार से दो व्यक्ति वहाँ जा करके अपना हक मांगे और अपना वो प्रदर्शन करें, और ऐसा प्रदर्शन दिखाएंगे कि वहाँ अब की बात तो ये सब प्रशासन की भी ध्वजियाँ उड़ा देंगे। तो सर क्यों नहीं ले जाने देगा पानी, वजह क्या? पानी नहीं ले जाने की वजह यह है कि हमारे यहाँ पानी की किल्लत है। एक बात जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको खूब सारी भूख लगी है और भूख लगने के बाद में आपको दो तीन दिन से आप भूखे हो, आपको एक रोटी परोसी जा रही है और वो उस रोटी को भी मैं छीनूं तो आपकी कितना दर्द होगा? वही दर्द हमारी पूरी ग्राम पंचायत के लोगों का, ये है बात, इसलिए हम नहीं ले जाने दे। तो ये थे राकेश कस्बा जी, जो कल वहाँ पे गुड्डा बावनी के जो लोग गए थे उनका ये मतलब हम बात करें तो सभी का लोगों का इनके आह्वान पे वो लोग वहाँ पे गए थे। आज इन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी हालात में गुड्डा बावनी के क्षेत्र से पानी किशोरपुरा ग्राम पंचायत को नहीं ले जाने देंगे। आगे अगर ऐसी नौबत आई तो हम गुड्डा गौर जी की हर एक गुड्डा बावनी के हर एक घर में पीले चावल बांटेंगे और वहाँ पे लोगों का हुजूम इकट्ठा करेंगे और किसी भी सूरत में किशोरपुरा को यहाँ से पानी नहीं ले जाने देंगे। हम किशोरपुरा वासी जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या मतलब स्टेटमेंट आता है वो भी आपको आगे दिखाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। पत्रकार महोदय का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, किशोरपुरा गाँव के अंदर पानी की किल्लत है जी, और किशोरपुरा के ग्रामीणों को पानी तो चाहिए जी, और पानी के लिए हम ढाणियों के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि हमारी जिस प्रकार से कल हमने ट्यूबवेल लगाई है वहाँ पर, और ग्रामीणों की परस्पर जो बातचीत हुई उसका रिजल्ट भी निकला और सारे लोग मान भी गए कि भाई कुछ ट्यूबवेल आप लगा लीजिए, हम प्रयास करेंगे और ट्यूबवेल भी वो लगाने देंगे हमें, और हमारे गाँव को पानी चाहिए। और वो पानी बाणिया नाला भैरू नगर बस्ती में है। 2010 के अंदर जब हम सरपंच थे तब ये पानी हम वहीं बाणा नाला के किनारे के पास में भैरू नगर से हम लेके गए थे और वो पाइपलाइन भी हमने ही बिछाई थी। और किशोरपुरा गांव के अंदर पानी आज भी जो जा रहा है वो बाणा नाला के पास का ही जा रहा है, तो हम ऐसे में चाहेंगे कि कुछ ट्यूबवेलें हमारे को दी जाएँ ताकि हम किशोरपुरा गाँव के अंदर पेयजल की आपूर्ति कर सकें। जल जीवन मिशन योजना का बड़ी योजना है, माननीय मंत्री महोदय का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी योजना का हमें लाभ दिलाया, और हम लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हमें उन हमारे लोगों को मनाना भी आता है और ढाणियों के लोग भी हम वर्षों से साथ रहे और वो पानी के लिए हमें कैसे मना करेंगे, हमें उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो हमें एक ट्यूबवेल हमने वहाँ लगा भी दिया जो शुरू भी हो चुकी है। नहीं, मंत्री महोदय कोई राजनीतिक नहीं कर रहे, मंत्री जी तो कई गांव ऐसे भी है जो जल जीवन मिशन योजना से वंचित रहे हैं। किशोरपुरा के लिए हम लोगों के कहने पे और वो लोग आगे आए हैं और उन्होंने किशोरपुरा को करोड़ों रुपए की योजना को पेयजल की जो बहुत बड़ी समस्या चल रही थी उसमें तो मंत्री महोदय ने किशोरपुरा को पेयजल योजना का लाभ दिलाया है, इसलिए मंत्री जी का तो क्या इसमें कोई राजनीतिक कोई मामला नहीं है। मंत्री जी तो ये चाहते हैं कि किशोरपुरा के लोगों को पानी मिले जी। तो किशोरपुरा से
पूर्व सरपंच हैं सुरेश मीणा किशोरपुरा जी, तो इन्होंने कहा कि हम अपने लोग हैं वो गुड्डा बावनी के, उनसे समझाइश करेंगे और पानी तो किशोरपुरा को मिलना ही चाहिए और वो यहाँ से पानी लेके ही जाएंगे। परंतु जिस प्रकार से हम बात करें कि कल बहुत तनातनी का माहौल हो गया था, पूरे दिन तनातनी का माहौल था। हमारा वर्षों से ढाणियों के लोगों से भाईचारा रहा है, हमने कई चुनाव भी लड़े, हमने राकेश कस्बा को पंचायत समिति सदस्य का चुनाव भी जिताने का काम किया है जी। हमने सुकर्ण चौधरी साहब को भी बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में मत देके विजयी बनाया जी। और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की राजनीति करता है तो वो गलत है, किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। पानी सबको चाहिए, अगर किशोरपुरा में पानी होता और ढाणियों के लोग हमारे से मांग करते तो हम लोग मना नहीं करते उनको पानी के लिए जी, जी। और अब उनकी इच्छा है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई सतह से जलस्तर चला जाएगा, तो जलस्तर नहीं जाएगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि बैठ के हम कोई ना कोई समाधान निकालेंगे इसका जी। धन्यवाद सर।